नमस्कार, आज हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, व्हाट डज अ सेंटेंस मीन, और इस तरह से कि भाई एक सेंटेंस का काम क्या होता है, एक सेंटेंस कंपोजिशनली कैसा होता है, वो सारी चीज़ें, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ देयर इन टर्म्स ऑफ सेंटेंसेस, तो वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ थोरो आइडिया बाय गिविंग अ स्टेटमेंट और ऑर्डर और आस्किंग अ क्वेश्चन और एक्सक्लेमिंग. यहीं से आपको पता चल जाता है कि भाई सेंटेंस कितनी तरह का बनता है. लगभग थोरो आइडिया होता है, कंप्लीट आइडिया. गिविंग अ स्टेटमेंट एक सिंपल स्टेटमेंट होती है, एक ऑर्डर दे रहा है, शट द डोर, ओपन द विंडो, ओके कम हेयर, आस्किंग क्वेश्चन, ओके हाउ आर यू, इस तरह से, और एक्सक्लेमिंग, ओके हाउ ब्यूटीफुल, इस तरह से, हाउ वंडरफुल, इस तरह से, और सारी चीज़ें, तो वो सेंटेंस के अंदर आती है. सेंटेंस क्या है, एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ गुड बॉय, ठीक है, स्टेटमेंट है सिंपल और एक सेंटेंस है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना सेंटेंस, बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच मेक अ कंप्लीट सेंस, दैट एक्सप्रेस इज अ थोरो आइडिया. ठीक है, थोरो आइडिया, कंप्लीट आइडिया मिल रहा है इसमें से. ठीक है, इज ही अ गुड बॉय, ये भी कंप्लीट है, क्या वो एक अच्छा लड़का है, इसको अलग से यहाँ पे अगर यहाँ रख दे सेकंड नंबर पे तो भी इन दैट केस ऑल्सो इट विल मेक सेंस. इज ही अ गुड बॉय, क्या वो एक अच्छा लड़का है, क्वेश्चन है ना, पूछ रहा है ना, तो क्वेश्चन हो चुका. ठीक है, ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस, एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ सेंस. टाइप्स देखते हैं सेंटेंसेस के, क्या करेंगे. सेंटेंस किस तरह से होते हैं कि भाई सिंपल सेंटेंस, देन कंपाउंड, देन कॉम्प्लेक्स, एंड देन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये होते हैं सेंटेंसेस के काइंड स्टूडेंट्स. ठीक है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, मस्ट हैव अ सिंगल क्लोज, सिंगल वर्ब. सिंगल क्लोज का मतलब है बिकॉज क्लोज क्या ही होता है, एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है उसके अंदर. ठीक है, या प्रेडिकेट बोलते हैं जिसको आप, एक सिंगल वर्ब होना चाहिए विच इज इंडिपेंडेंट, इट कैन नॉट टेक अनदर क्लोज, अनदर क्लोज नहीं आ सकता इसमें. ठीक है, एक ही क्लोज आएगा, अब एक ही क्लोज है देख लीजिए इसमें. ठीक है, और इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. ठीक है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है कि भाई अपनी एक सेंस है इसकी. ठीक है, अपने मीनिंग के लिए कोई और क्लोज पे डिपेंड नहीं कर रहा, अधूरा नहीं लग रहा, मतलब ये देखने में सुनने में. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर, मैं हमेशा एक राइटर बनना चाहता था. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सीधा सेंटेंस है. ठीक है, इट इज नॉट टेकिंग अनदर क्लोज. ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, सिंगल वर्ब इसमें यहाँ पे है, इस तरह से कर सकते हो आप. ठीक है, सिंगुलर, आपको ये नहीं देखना कि भाई वांटेड है, बिकम है, नो, ये नहीं है. वर्ब वो होता है एक सब्जेक्ट का, एक जो है एक सब्जेक्ट ही दोनों वर्ब यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, एक कर दिया एक करेगा. ठीक है, एक करना चाहता है, तो ये है. इसका मतलब ये नहीं कि भाई सब्जेक्ट भी दूसरा और वर्ब भी दूसरा, तो फिर क्लोज दूसरा हो जाता, फिर वो सिंपल सेंटेंस नहीं रहता. कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, अ कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लोज एंड नो डिपेंडेंट क्लोज. इसमें डिपेंडेंट क्लोज कोई भी नहीं होता. कंपाउंड में स्टूडेंट्स क्या होता है, सारे के सारे ही इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं. ठीक है, दो हैं, दो भी इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब अलग अलग मीनिंग अपने आप में बन सकता है उनका, यानी दो को तोड़ भी दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, नंबर वन नंबर टू, तो भी उनके सेंस उतनी ही बनेगी. उसमें डिपेंडेंट क्लोज नहीं होना चाहिए. ठीक है, यानी जिसकी कोई अपनी सेंस नहीं होती, ऐसा कोई सेंटेंस उसमें नहीं होना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर, मैं हमेशा एक राइटर बनना चाहता था. तो इसमें देखिए आप, इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है, और कंपाउंड सेंटेंस है, तो इसमें डिपेंडेंट तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा. ठीक है, और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे आई हैव सम वर्क टूडे सो आई कैन नॉट कम टू द पार्टी. अब देखिए, सो के पहले का जो सेंटेंस है, सो के बाद का, आई हैव सम वर्क टूडे, मुझे आज कुछ काम है, खत्म. ठीक है, अपने आप में कंप्लीट सेंस बना रहा, कोई दिक्कत नहीं है. आई कैन नॉट कम टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं आ सकता, उसकी भी सेंस है. तो दोनों ही इंडिपेंडेंट है. ठीक है, मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लोज हो चुका है सेंटेंस में, और डिपेंडेंट कोई भी क्लोज नहीं है, तो दोनों ही इंडिपेंडेंट है. इस तरह से सेंटेंसेज होते हैं, वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं. ठीक है, कॉम्प्लेक्स देखिए स्टूडेंट्स, हैज मोर देन वन क्लोज, एक क्लोज से ज्यादा क्लोज होते हैं. ठीक है, सिंपल है, लेकिन एक उसमें से इंडिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए, और दूसरा या और भी है, अगर एक के अलावा दो और बचे हैं, वो डिपेंडेंट होगा. यानी एक तो इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए. ठीक है, जैसे आई नो दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ राइटर, मैं जानता हूं कि तुम हमेशा से एक राइटर बनना चाहते थे. अब से देखिए, यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ राइटर, तुम हमेशा से एक राइटर बनना चाहते थे, ये तो क्लियर है अपने आप में, इंडिपेंडेंट है. आई नो दैट, मैं जानता हूं कि. अब देखिए, अगर मैं यू को ये सारा हटा दूं यहां से हिस्सा, आई नो दैट ही रखें बस, तो इसकी सेंस बनेगी, नहीं बनेगी. इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये डिपेंडेंट क्लोज हुआ. आई नो दैट डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंड कर रहा है ना अपने मीनिंग के लिए. मैं जानता हूं कि, क्या जानता हूं, ठीक है, दैट तुम हमेशा, यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ राइटर, तुम हमेशा एक राइटर बनना चाहते थे.
तो ये यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ राइटर, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, आई नो दैट पे, ठीक है, इसको तो आप अकेले भी लिख सकते हो, इट विल मेक सेंस, लेकिन आई नो दैट इस पर डिपेंड करता है ये क्लॉज, ठीक है ना, इस तरह से। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, मिक्सचर होता है जिसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों सेंटेंसेस के फीचर्स आपको मिल जाएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, यू विल बी फाइंडिंग अ डिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज एंड इंडिपेंडेंट क्लोज एट द सेम टाइम। मतलब कहने का ये है कि भाई इंडिपेंडेंट भी मिल जाएगा एंड यू विल ऑल्सो बी गेटिंग अ डिपेंडेंट क्लोज इन द सेम सेंटेंस, ठीक है। तो जैसे आई नो दैट डिपेंडेंट है, यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ राइटर, तुम हमेशा से एक राइटर बनना चाहते थे, बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, पर मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहता था। देखिए ये सेंटेंस इंडिपेंडेंट, ये सेंटेंस इंडिपेंडेंट, ठीक है, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर। इंडिपेंडेंट का मतलब ये कि भाई उसको अलग से इस टुकड़े को उठा के रख दें तो ये सेंस बनेगी, इसका सेंटेंस है पूरा अपने आप में, ठीक है, ये डिपेंड नहीं कर रहा अपने मीनिंग के लिए किसी पे, बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, मैं हमेशा से एक डॉक्टर बनना चाहता था। You always wanted to become a writer. तुम हमेशा से एक राइटर बनना चाहते थे, तो आई नो दैट, लेकिन ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंड कर रहा है ना इस पे। सपोज इसको हटा दू, सिर्फ हम ये रखे आई नो दैट, तो कुछ बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है, इस तरह से। सो स्टूडेंट्स ये होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस। इस तरह से आप और बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, ठीक है, वो लेंथी सेंटेंसेस हो जाते हैं, तो उसी तरह से वो एक रूल होता है, अकॉर्डिंगली हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है स्टूडेंट्स, इस ब्लैंक को फिल करना है हमें, बिल्कुल इजी है, ए बी सी डी ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, और इसमें ब्लैंक क्या होगा, इस ब्लैंक को तब फिल कर पाओगे अच्छे से आप जब आप इसकी सेंस पकड़ पाओगे। जैसे ओनली आफ्टर फूड हैज बीन ड्राइड, जब खाना सूख चुका है या सुखा दिया जा चुका है तब ही ओनली आफ्टर, इसके बाद ही। अब देखिए क्या होगा, दैट इज शुड बी स्टोर्ड फॉर लेटर कंजम्पशन। ग्रामेटिकली देखिए स्टूडेंट्स, दैट इज आया ऑक्सिलरी, फिर दूसरा मॉडल आया देखिए, और फिर तीसरा बी, तो ये तीनों ऐसे ही इकट्ठे नहीं आते, कुछ सेंस नहीं बनते, दैट इज शुड भी नहीं होता, दैट शुड बी स्टोर्ड तब भी कहीं ना कहीं हम सोचते हैं, लेकिन दैट इज भी है, देन शुड भी है, कोई सेंस इसकी नहीं बनती, तो एलिमिनेट हो जाएगा। ओनली आफ्टर फूड हैज बीन ड्राइड, शुड बी शुड के बाद बी एक साथ नहीं आएगा, शुड बी स्टोर्ड फॉर लेटर कंजम्पशन। अब क्या क्या स्टोर किया जाना चाहिए ये तो नहीं बताया ना, फूड के लिए यहाँ पे भी तो कुछ आएगा, नाम नहीं आएगा लेकिन कुछ तो आएगा। शुड इट बी, इट से रिप्लेस हो जाएगा नाउन, प्रोनाउन आ जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि हर सेंटेंस में तो नाउन नहीं हो सकता, ठीक है, कि भाई ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज वेल, राम गोज टू स्कूल, राम इज माई फ्रेंड, नो, राम प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज वेल, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, मोर ओवर ही गोज टू स्कूल विद मी, इस तरह से ही आ जाएगा वहां पे, बार बार राम नहीं आएगा, बार बार नाउन नहीं आएगा, प्रोनाउन से रिप्लेस कर देंगे, तो प्रोनाउन से यहाँ रिप्लेस कर दिया, इट यह बोल दिया खाने को, ठीक है। शुड इट बी स्टोर्ड फॉर लेटर कंजप्शन, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट अभी देखते हैं हमें सॉल्यूशन देखना है इसका। दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज नॉट ओनली इक्विप्ड विद ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स बट ऑल्सो विद आउटस्टैंडिंग फिजिसिस्ट। ये लेबोरेटरी जो फिजिक्स की है इसमें सिर्फ सारे आधुनिक जो इंस्ट्रूमेंट्स उपकरण है वो ही नहीं है, पर फिजिसिस्ट जो एक तरह से जो भौतिक शास्त्री जो है फिजिक्स बढ़ाने वाले वो भी हैं। अब ठीक है सेंटेंस, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये नहीं होगा दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स, बिकॉज हमें मोर ऑप्शन में हमें मोर अप्रोप्रिएट नहीं देखना होता, हमें देखना होता मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज नॉट ओनली इक्विप्ड विद ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स, दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज इक्विप्ड नॉट ओनली विद ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स बट ऑल्सो विद आउटस्टैंडिंग फिजिसिस्ट, बिकॉज नीदर नोर और इधर और वाला जो हमने सीखा है, इक्विप्ड नॉट ओनली विद, इक्विप्ड है ना सिर्फ इससे, नॉट ओनली विद ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स बट ऑल्सो विद आउटस्टैंडिंग फिजिसिस्ट, तो ये आएगा, ठीक है, एरर यहाँ पे इस पार्ट में है, ठीक है। तो ये इक्विप्ड नॉट ओनली विद शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नॉट ओनली इक्विप्ड विद, सो नॉट ओनली इक्विप्ड विद नहीं आएगा, क्या आएगा, दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज इक्विप्ड विद नॉट ओनली ऑल ऑफ द ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स बट ऑल्सो विद आउटस्टैंडिंग फिजिसिस्ट, इस तरह। आगे नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्री टू योर व्यू पॉइंट इज योर व्यू पॉइंट एज इफेक्टिव एज दिस मेथड। देखिए नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्री टू योर व्यू पॉइंट इज एज इफेक्टिव एज दिस मेथड,
ठीक है, कोई दूसरा मेथड इतना इफेक्टिव नहीं है जितना ये है दूसरे पीपल को आपके जो मत है उनसे उनसे एग्री करवाने में, यानी इस तरीके से आप एग्री करवा सकते हो लोगों को अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें कोई एरर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सॉल्यूशन में भी वही जस्टिफाई किया है, व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप वी यूज नो अदर, ठीक है, और जैसे नो मेथड ये वाला, एंड यस व्हेन टू थिंग्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप आर कंपेयर्ड वी यूज नो। अब देखिए नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स अदर यहाँ रख दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने कहा नो अदर मेथड, कोई दूसरा मेथड, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ से करना। सो नो अदर मेथड ऑफ मेकिंग पीपल अदर यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। हमें ये नहीं कि एक पेयर दिया गया इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, नो, मोस्ट अप्रोप्रिएट देखा जाए तो अदर को यहाँ रख देते हैं, ठीक है, बस। नो अदर मेथड ऑफ मेकिंग People agree to your viewpoint is as effective as this method, ठीक है, कोई दूसरा method इतना effective नहीं होगा लोगों को आपके viewpoint से सहमत करवाने के लिए। तो इस तरह से हमने रख दिया, so no other use किया तो no other वहां पे use कर लिया, ठीक है, इस तरह। अब आप देखिए, I did not like his comments on my paper, but I had no alternative as I had agreed to keep quiet. देखिए मुझे उसके मेरे पेपर पे मैंने जो लिखा उसके कमेंट्स मुझे अपने पेपर पे अपनी लिखाई पे जो मैंने लिखा उस पे मुझे उसके कमेंट्स अच्छे नहीं लगे, आई डिड नॉट लाइक हिज कमेंट्स, ठीक है, उसके कमेंट्स मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, बट आई हैड नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, एज जैसे कि एज आई हैड एग्रीड टू कीप क्वाइट, ठीक है, मैंने ये मान लिया था, मैंने कहा था कि भाई मैं चुप रहूंगा, तो बस उसने उसके पास फिर कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, तो ये इसमें कोई एरर नहीं है स्टूडेंट्स, ये अपने आप में करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। The report is candid in admitting that the investment by the government in health and family planning have been eroded considerably. देखिए, candid होता है frank, यानी खुले उससे कह रही है, वो बिल्कुल ही बिल्कुल संकोच नहीं कर रहे कहने में, ठीक है। The report is candid in admitting, ये मान रही है report, कभी investment जो government ने की है health में और family planning में has been eroded considerably, not have been, ठीक है, eroded क्या हुआ, यानी वो erode की गई, उसको use नहीं किया गया, उसको एक तरह से वेस्ट की गई है कंसिडरेबली, बहुत ज्यादा मात्रा में वो, ठीक है, करप्शन हुआ है, जो भी हुआ इन्वेस्टमेंट जो निवेश किया सरकार ने। अब स्टूडेंट्स हेल्थ और हमने सोच लिया कि भी हेल्थ और फैमिली प्लानिंग है तो है तो ठीक आएगा, प्लूरल है भाई, हेल्थ और फैमिली प्लानिंग दो हुए तो है आएगा, नहीं ये कंसिडर नहीं करना हमें करना इन्वेस्टमेंट हेल्थ और फैमिली प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट हुई है ना, अब वो तो सिंगुलर है, इन्वेस्टमेंट सिंगुलर है ना, तो वो हैज होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ हैव बीन शुड बी रिप्लेस्ड विद हैज बीन, ठीक है, क्योंकि हियर हैव बीन गवर्न्ड बाय द सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट, सब्जेक्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, ठीक है ना, और सिंगुलर सब्जेक्ट है सो सिंगुलर वर्ब हैज बीन आएगा, मस्ट बी यूज्ड, ठीक है, हैज बीन यूज किया जाना चाहिए इस तरह से। सो आई होप आपको पता चल चुका होगा क्या सेंटेंस होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, किस तरह के सेंटेंस होते हैं, क्या क्लोज होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट को कोई दूसरे क्लोज की जरूरत नहीं पड़ती, वेयर एज डिपेंडेंट क्लोज डिपेंड्स ऑन एन इंडिपेंडेंट क्लोज फॉर इट्स सेंटेंस टू बी फॉर इट्स मीनिंग टू बी कंप्लीट, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड यू हैव सीन हाउ मेनी काइंड ऑफ सेंटेंसेज आर देयर, ठीक है ना, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और इस तरह से, मोर ओवर वी हैव सॉल्व सम एक्सरसाइजेज, ओके, यूजिंग द गेन्ड नॉलेज, ओके, अकॉर्डिंगली। सो आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली एंड आई हैव बीन एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज कमिटेड टू कन्वे थ्रू दिस सेशन। सो थैंक यू वेरी मच अगेन।